साला रास्ता ही भूल गया। बस हमारी बीवी है ना पागल है एकदम, जब उनके मामा को पैसे चाहिए तो वो आके ले जाते ना मुझसे, मुझसे कह दिया तुम दे आओ, जैसे कि हम फ्री आदमी हैं। अब क्या करूं, लग किसी से पूछ लेता हूँ। अरे भाई साहब जरा इधर आइए। कौन मैं? ना ना आपके पिताजी को बुलाया, पिताजी तो भगवान ने बुला ले ऊपर, अगर तुम पिताजी से मिलना है तो भगवान के पास जाना पड़ो। बोलो क्या इरादा है? अरे यार क्यों मजाक कर रहे हो, जब तुम दिख रहे हो तो तुम्ही को तो बुलाऊंगा। अच्छा मुझे बुला रहे हो, आ रहा हूँ। जी मैं, अच्छा मैं ये पूछ रहा था ये रास्ता कहाँ जा रहा है? भाई साहब ये रास्ता कहीं ना जावे, वो जाना तो तुम्हें ही पड़ा। वो भाई यार बिल्कुल सर्री आदमी हो, क्या बात है? हाँ अच्छा तो यही बता दो इस रास्ते पे चल के मैं जाऊंगा तो कहाँ निकलूंगा? ये रास्ता ते जाओगे तो सीधे आगरा रोड पे निकलोगे। अच्छा आगरा रोड पे निकलेगा ये? हाँ ठीक है। भाई यार तुम तो बड़े पकाऊ आदमी हो। वो तो है। चमड़ेल बाबा बीवी को बस में करने का गुरु मंत्र, खुशहाल जिंदगी। अरे वाह, ओ नंबर भी है, ओ या मजा आ गया अब तो। या अब बाबा पे फोन मिलाऊंगा और बाबा से गुरु मंत्र पूछ के अपनी बीवी पे हुक्म चलाऊंगा, वो मुंह बंद रखेगी और मैं टकाटक बोलूंगा, बाबा तुम्हारा पोस्टर देख के मेरी जीने की उम्मीद जग गई। बेटा मन में लड्डू फूटा। हाँ हेलो। हेलो जी मुझे चमड़ेल बाबा से बात करनी थी, आप कौन? जी मैं उनकी बीबी बोल रही हूँ। अच्छा तो चमड़ेल बाबा घर पे नहीं है क्या? है तो, लेकिन अभी बाबा बात नहीं कर सकते। क्यों? बाबा बात नहीं कर सकते क्योंकि वो अभी बर्तन साफ कर रहे हैं। साले बाबा सबसे ज्यादा तो गुरु मंत्र की जरूरत तुझे है, दूसरों की खुशहाल जिंदगी बना रहा है, पहले अपनी बना ले। हट। खा मैं खा का भरम फैलाए रखा है तू। अरे भाग्यवान फोन पर किसी को क्यों बताती हो? बाबा मैं घर पर झाड़ू पोंछा करता हूँ। धीरे धीरे सारे कस्टमर करवा दिए तुमने मेरे, हैं? जरा सी भी जुबान बंद नहीं रख सकते। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? फूल के शाम को क्या हुआ था? हाँ मालूम है, बहुत कमर दर्द कर रही है। खिलाऊंगी चैन से खाना आज तुम्हें। अच्छा सॉरी।